आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, ये लगातार जो राहुल जी के साथ जो प्रताड़ना की कार्रवाई हो रही है, जो उनके साथ जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, और राहुल जी गांधी परिवार का लगाव अमेठी से जो रिश्ता है, एक परिवार का रिश्ता है, घर का रिश्ता है, इसलिए मैंने आज अमेठी को चुना कि अमेठी में आकर हम लोग अपनी बात रखेंगे। उसमें आप देख रहे होंगे कि 13 तारीख को कर्नाटक के अंदर इन्होंने भाषण दिया था, और उसके बाद ये कर्नाटक में का भाषण है, कर्नाटक की सभा है, और स्टेट बदलकर गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया गया। आप ये देखेंगे कि ये पूरी तरीके से जिस स्टेट का के अंदर अगर ये चीजें बोली जाती है, उस स्टेट में मुकदमा दर्ज होता है। ये गुजरात में ले जाकर इनके लोगों ने दर्ज कराया, और उसमें पूरी तरीके से 13 तारीख को वहां पे बोला इन्होंने, 16 तारीख को उनके एक विधायक उन्होंने शिकायत दर्ज कराई सूरत में, 27-27 तारीख को गुजरात उच्च न्यायालय में जाकर इन्होंने इस पे स्टे लिया, फिर इन्होंने 7 तारीख को फिर मुहिम गुलिस्तों की भाषण इन्होंने 7 फरवरी को उठाया, 16 तारीख को फिर गुजरात हाईकोर्ट में जाकर इन्होंने स्टे वैकेट करने का एप्लीकेशन दिया उमेश मोदी जी ने, फिर 27 तारीख को निचली अदालत में शुरू हुई, फिर 23 मार्च को ट्रायल हुआ, कोर्ट ने उसको उनको दोषी ठहराया 2 साल का। उसके बाद 24 तुरंत आनन फानन में, एक दिन भी लेट नहीं हुआ, तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, और 40 घंटे बाद घर खाली कराने का नोटिस भी दे दिया गया। इतना घबराहट है मोदी सरकार को आपके नेता राहुल गांधी जी से, ये सारी चीजें घबराहट दिख रही हैं, और लगातार उनके प्रताड़ना की कार्रवाई हो रही है। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसमें केवल और केवल प्रताड़ित करने की कार्रवाई चल रही है, और राहुल जी कैसे कमजोर हो जाएं, कैसे कांग्रेस कमजोर हो जाए, इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। हम सब लोग, आप सब लोग, मेरा यही आग्रह है कि पूरी अमेठी के लोग जिस तरीके से गांधी परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, आपने ताकत दिया इस परिवार को, आपने बल दिया है, और उन्होंने यहाँ पे काम किया। आप देखिए, नए कल कारखाने भी लगे, एक भी बड़ा काम हुआ, या जो कल कारखाने चल रहे थे वो भी बंदी के कगार पे। तो सारी चीजें आप सब लोग उनकी बातों जो उन्होंने कहा है, आपके बीच में हमने लोगों ने कहा लाकर रखा है, निश्चित तौर से आप लोग राहुल जी के चीजों को मजबूत करिए। और आज 1 अप्रैल का दिन है, जिस तरीके से आज आपके यहाँ के सांसद ने जिस तरीके का भाषण दिया पिछले अभी ये लोकसभा के चुनाव के दौरान कि हम 13 रुपए किलो आपको चीनी देंगे, ये देख सकते हैं।